रूट रूट को ही हम लोग जीरो ज्यादा पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। ये जो रूट आप देख रहे हैं, जो रूट हम निकालेंगे उसी को हम लोग जीरो ज्यादा पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। और सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस होता है कि आप क्या निकाल रहे हो, उसका रूट निकाल रहे हो। जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वो क्या निकलता है, उसका रूट, यानी कि एक्स का वैल्यू निकलता है, एक्स निकलता है या उसको अल्फा का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मतलब में हम लोग अल्फा इसको कंसीडर करेंगे। तो आज इसके बारे में हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, डिटेल में जानेंगे कि क्या होता है, किस तरीके से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को करेंगे। हमारे पास क्या है, कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं और नहीं भी है, मतलब हमने ऐसा कहा कि हमें इसे आइडेंटिफाई करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन कौन है। इसके और भी बहुत सारे हम करवाने वाले हैं, तो आप देखिए ध्यान से। सबसे पहला हमारा जो है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री। आप इसको देखिए, ये क्या है, आप इसको कर सकते हैं, ए इस फॉर्म में होना चाहिए, किस फॉर्म में होना चाहिए, बी एक्स, ये प्लस माइनस कोई मैटर नहीं करता है, तो आप यहाँ पे प्लस के जगह पर माइनस भी लिख सकते हैं, प्लस सी। सी मीन्स होता है ये कांस्टेंट टर्म होता है, ये क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है। हम बोले थे कि a इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि a जीरो नहीं होगा, क्या हो सकता है, a वन हो सकता है। अगर आप यहाँ पे वन लिखते हैं, वन इंटू एक्स स्क्वायर, बी के जगह पर हम बोले थे वेरिएबल, तो यानी कि बी के जगह पर अगर आप फाइव लिखते हैं, बी वेरिएबल है तो उसका जो कांस्टेंट वाला वैल्यू है वो फाइव है, तो फाइव लिखते हैं, देख लीजिए, तो एकदम ये इंटू होता है, बी इंटू एक्स होता है। अब प्लस क्या है, ये सी थ्री, अब देख पा रहे होंगे कि ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक, अगर एक्स स्क्वायर में वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ही होगा, और उसके बाद ये फाइव एक्स हो जाएगा, फाइव में एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइव एक्स प्लस थ्री, इसीलिए ये क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दूसरा बात करेंगे, दूसरा भी उसी तरीके से हम लोग ढूंढेंगे, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये माइनस प्लस वो तो होता ही रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम और बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पर ए का जो कांस्टेंट वैल्यू है क्या, टू है, टू इंटू एक्स स्क्वायर लिख देंगे। उसके बाद बी का जो कांस्टेंट वैल्यू है क्या है, थ्री रूट टू है, तो उसका भी वैल्यू लिख देंगे, और सी का क्या है, सिक्स। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस थ्री रूट मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स हो जाएगा, प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। तो ये भी मेरा क्या हो गया, ये भी मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको भी हम लोग टिक आउट कर देंगे। उसके बाद इसमें बात करते हैं, इसमें भी वही चीज़ हम देख लीजिए, यहाँ पर ए के जबर क्या है, ये थ्री है, बी के जबर क्या है, टू है, बी के जबर क्या है, टू, और सी के जबर क्या है, ये, और ये एक्स स्क्वायर हो गया, और ये अब यहाँ पर देख लीजिए, ये हो गया प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि जब भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं तो जो मेरा रूट होता है वो रूट के अंदर नहीं होता है, यानी कि ये एक्स जो है, एक्स रूट के अंदर में, रूट के अंदर में नहीं होगा, जो स्क्वायर रूट वाला बात है ये नहीं होगा, क्योंकि ये जो आ गया है रूट एक्स, ये नहीं होता है, तो इसीलिए हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बहुत ही आसान शब्दों में बात करेंगे। अब इसको भी देख लीजिए, यहाँ पर ये क्या है, ए है, और ये क्या है, ये कांस्टेंट है, सिर्फ कांस्टेंट है, तो ये क्या होगा, सी होगा। अब कह रहे होंगे सर इसमें तो बी गायब हो गया, तो बी को हम लोग ऐसे लिखते हैं, कैसे, देखिए बी कुछ नहीं ना, बी वाले पोजीशन पे कुछ भी नहीं है, तो बी वाले पोजीशन पे जब कुछ भी नहीं है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, आराम से बी के जगह पर हम लोग जीरो पुट कर दिए, क्या पुट कर दिए, जीरो एक्स, और यहाँ पर फिर माइनस थ्री, देख लीजिए यहाँ पर क्या लिख देंगे, माइनस थ्री, और इसको प्लस में रहने दीजिए, नहीं तो फिर माइनस माइनस यहाँ पर प्लस का वैल्यू दे देगा, ये प्लस में। अब जीरो में एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा वो, अब देखिए ये कंप्लीट कर रहा है, हम क्या बोले थे, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, यानी कि ए के जगह पर जीरो नहीं हुआ, बी के जगह पर जीरो हो सकता है, बी के जगह पर हमने जीरो पुट किया तो बी के जगह पर जीरो हो सकता है, तो ये टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, तो ये टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्या हो गया है, जीरो, और ये माइनस थ्री जैसा है, तो आप इसको पैसे लिख सकते हैं, टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, डैट वाई दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब कुछ और क्वेश्चंस का बात करेंगे, कुछ और क्वेश्चन हमारे पास है आप लोगों के लिए, इसको भी हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अब ध्यान से देखिए,
इसका हम लोग अगर फ्रैक्शन का एडिशन करते हैं तो एक्स और वन कैल्शियम क्या होगा, एक्स और वन कैल्शियम एक्स होगा। इसको हम लोग दोनों तरफ को एक्स बनाना होता है तो इधर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी एक्स से करेंगे, तो एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। और इस तरफ तो पहले से ही एक्स है तो इधर कुछ भी नहीं करेंगे, वन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर में, ये तो वन से करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन ही रह जाएगा, और जब एक्स में एक्स स्क्वायर से करेंगे तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा। आपको हमने पहले ही बताया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है द हाईएस्ट पावर, दैट मीन्स डिग्री क्या होना चाहिए, टू होना चाहिए। यहाँ पर डिग्री क्या आ रहा है, यहाँ पर डिग्री थ्री आ रहा है, तो जैसे ही डिग्री थ्री आ रहा है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसको भी बिल्कुल वैसा ही करेंगे, एक्स स्क्वायर और वन कैल्शियम एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसको भी एक्स स्क्वायर बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, इधर भी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई। बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है, जैसा कि एक्सपोनेंट्स एंड पावर में हमने पढ़ा है। जब बेस सेम होगा तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स रेस टू द पावर फोर, एक्स रेस टू द पावर फोर प्लस वन। और यहाँ पर फोर फोर या सिक्सटीन, वन सेवनटीन बाई फोर, सेवनटीन बाई फोर। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे फोर एक्स फोर रेस टू द पावर फोर प्लस वन इंटू सेवनटीन एक्स स्क्वायर। अब अगर फोर में एक्स रेस टू द पावर फोर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, फोर एक्स का पावर फोर। दैट मीन्स कि हाईएस्ट पावर क्या आया, हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री फोर आ गया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि डिग्री कितना होना चाहिए, टू होना चाहिए, डिग्री कि टू होना चाहिए, इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई करके रख देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये टू को ऐसे ही रहने दीजिए। आप एक्स में एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स में माइनस थ्री से करेंगे तो माइनस थ्री एक्स हो जाएगा, माइनस वन में एक्स से करेंगे तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, और माइनस वन में माइनस थ्री से करेंगे तो ये प्लस थ्री हो जाएगा, ये हो गया। फिर एक्स में एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स में माइनस टू से करेंगे तो माइनस टू एक्स हो जाएगा, और प्लस थ्री में एक्स से करेंगे तो प्लस थ्री एक्स हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस माइनस क्या होता है, माइनस थ्री टू जा सिक्स माइनस सिक्स हो जाएगा। ये हम लोग इसको कर लिए। अब इसको फिर से हम करेंगे, टू में एक्स स्क्वायर से करेंगे तो टू एक्स स्क्वायर, टू में माइनस थ्री एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सिक्स एक्स हो जाएगा, टू में माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू एक्स हो जाएगा, टू में प्लस थ्री से करेंगे तो प्लस सिक्स हो जाएगा। अब ये जैसा है वैसा ही रहने देंगे। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग दोनों को जो लाइक होते हैं, लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं, लाइक टर्म्स को एक साथ लिखेंगे तो इस तरफ टू एक्स स्क्वायर है, एल एच एस की तरफ, आर एच एस की तरफ से ये इधर आ जाएगा, माइनस सिक्स एक्स, ये माइनस टू एक्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, अच्छा सॉरी एक मिनट, माइनस और माइनस देखिए ये दोनों तो लाइक ही है ना, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो सिक्स एक्स प्लस टू एक्स इज इक्वल टू माइनस एट एक्स, माइनस एट एक्स। अब यहाँ से ये अगर करते इधर इसको इधर करेंगे तो प्लस एक्स होगा, देख सकते हैं माइनस और प्लस माइनस होता है, थ्री एक्स माइनस टू एक्स इज इक्वल टू एक्स, और एक्स प्लस में हो क्योंकि क्या है, प्लस की संख्या ज़्यादा, प्लस कितनी बार है, थ्री टाइम्स है, तो इसलिए प्लस लगाएंगे। तो यहाँ से प्लस एक्स, ये जो पूरा वैल्यू होगा वो प्लस एक्स का होगा, अगर ये इन सब को कैलकुलेट कर ले तो प्लस एक्स आएगा, प्लस एक्स इधर आएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस सिक्स है और ये आएगा इधर तो प्लस, माइनस सिक्स इधर आएगा तो प्लस सिक्स इधर जीरो लिख देंगे, टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस नाइन एक्स हो जाएगा और ये प्लस ट्वेल्व हो जाएगा। आप देख सकते हैं वो फॉर्म आ चुका है, यहाँ पर ये जो हमारा होता है ए क्या हो जाएगा, वन, ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे वन तो लिख सकते हैं, वन वन में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही होगा, तो ए हो जाएगा वन एक्स प्लस माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, दैट्स व्हाई दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपको पता है a प्लस b का होल क्यू क्या होता है, a क्यू प्लस b क्यू
प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, इसी फॉर्मूला पर हम लोग इसको पुट कर देंगे। 2x में इस फॉर्मूला पुट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, एक्स क्यू प्लस टू क्यू प्लस थ्री एक्स इंटू टू और x प्लस टू हो गया। यहाँ पर अगर 2x में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x क्यूब हो जाएगा, 2x में माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x हो जाएगा। यहाँ पर जैसा है एक्स क्यू ही रहेगा, प्लस 8 हो जाएगा, 3 टू जा 6x हो जाएगा और इंटू एक्स प्लस टू हो जाएगा, और यहाँ पर जो जैसा है वैसे ही रह जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर हमको कुछ करना नहीं है, हम इसको इस तरफ बना रहे हैं। देखिए ये एक्स क्यू प्लस 8 और 6x में x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर हो जाएगा, और 6x में 2 से करेंगे तो क्या, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12x हो जाएगा, और इस तरफ जैसा है 2x क्यू माइनस 2x। अब यहाँ पर जो हमको हमको क्या करना है, देखिए एक्स क्यू ये प्लस 2x क्यू है तो इधर आएगा तो माइनस 2x क्यू हो जाएगा, और प्लस 6x स्क्वायर हम अरेंज कर रहे हैं, और कोई स्क्वायर तो है नहीं। और यहाँ पर अगर हम बात करें प्लस 12x इधर आएगा, माइनस 2x इधर आएगा तो प्लस 2x हो जाएगा और प्लस 8। अभी हम आपको बता रहे हैं एक्स क्यू हो जाएगा प्लस एक्स क्यू माइनस 2x क्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या होगा, एक्स क्यू आएगा और एक्स क्यूब जो है वो माइनस में होगा, क्यों, क्योंकि माइनस की संख्या क्या है, बड़ी है, माइनस कितनी बार है, टू टाइम्स है, माइनस टू टाइम्स, इसीलिए माइनस होगा। और यहाँ पर ये हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। आपको पता है एज यू नो डैट कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हाईएस्ट पावर क्या होता है, 2, डैट मीन्स डिग्री क्या होना चाहिए, 2। ये कितना डिग्री शो कर रहा है, 3, इसीलिए ये नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। कुछ और क्वेश्चन हम करेंगे, अभी आप देख सकते हैं। तो आज आपको कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आइडेंटिफाई करते हैं इसके बारे में आप जान चुके हैं, और अगर आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हुआ है तो आप प्लीज़ वीडियो को दोबारा देखें, आपको 100% समझ में आ जाएगा। और जितना हो सके, क्योंकि आप अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो इसका मतलब आप पूरा वीडियो देख चुके हैं, और फिर पूरा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। और आप कृपया करके अगर वीडियो देख ही लिए हैं तो लाइक, अगर अच्छा लगा हो लाइक कर दें, अच्छा नहीं लगा हो तो आप डिसलाइक कर दें, हमें डिसलाइक से भी प्रेरणा मिलती है और लाइक से भी प्रेरणा मिलती है। आप डिसलाइक करेंगे तो हम अपने कंटेंट में और सुधार करने की कोशिश करेंगे, इम्प्रोवाइजेशन की जो आवश्यकता होगी उसको हम लोग फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि जो कुछ लोग जो जिनको बहुत आवश्यकता है इन सब चीज़ों की, क्योंकि तो जैसा कि आपने कमेंट ही किया है कि सर हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन चाहिए, तो हमने वो शूट कर दिया और अपलोड कर देंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।